की तैयारी भी होती है। और ये मतलब आप लोग मेहनत करोगे, मैं तो हमेशा से कहता हूं कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो ये आपका हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का हुआ है, आज साइंस की क्लास नहीं हुई थी सोनू, जब इसका रिजल्ट में देख रहा था, एक्चुअल में पेपर मैंने भी दिया था, मैंने ये पेपर दिया और मतलब लोअर पीसीएस इस साल आएगा, ड्रीम हंटर लोअर पीसीएस इस बार आएगा, लोअर पीसीएस कैलेंडर में था इस बार आएगा। तो जब मैं इसके लिए बहुत वेट कर रहा था, तो जब मैंने रिजल्ट देखा बच्चा, उससे पहले 7-8 मिनट जो थे, 2 बार टॉयलेट गया, कहीं ससरा गलत ना हो जाए, रिजल्ट नहीं आया कैसा फील आएगी, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती है ना कभी, इतना फीलिंग मैंने बहुत पुराने जमाने में देखता था जब नहीं होता था, बहुत बुरा लगता था यहां से एकदम, मतलब जब नहीं होता पूरी मेहनत करो और नहीं हो तो एकदम ऐसा लगता था। फिर आप वेट कर रहे हो जिस चीज का 3 साल से कि होना है होना है। तो मैं आपसे कहता था ना बेटा, इसमें भी नंबर नहीं बताए गए, नंबर 325 के करीब होंगे, 315-320 के आसपास, 325 भी हो सकते हैं। तो मैंने जनरल से भरा था, वैसे ओबीसी में आते हैं हम लोग यूपी में, बट मैंने जनरल से भरा था, मुझे पता था जनरल की वैकेंसी ज्यादा होती है, तो मतलब क्यों फालतू में ओबीसी के चक्कर में पड़ू, पता तुम मेरे वो 7-8 मिनट की हाव भाव देखते ना तो तुम कहते वे सर थे मेरे पास, वो कहां पर आता। फिर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट से सर्च करके फिर मैंने डाल के फिर मैंने आंख बंद कर ली, बोला आप देख लो। 2-3 बार भगवान सामने माता मतलब माता रानी थी सरस्वती, मैंने वाह वैष्णो भैया, मैंने बहुत बड़ा मतलब अजीब, फिर इन दी एंड ठीक है यार हो गया, माता रानी कृपा से आप लोगों की दुआओं से ठीक है। हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा होता है बच्चा, हम लोगों को जो कोचिंग वाले होते हैं ना उनको लोग क्या सोचते हैं, अरे इस पे कुछ नहीं था, ये तो बेकार था, और जब इस पे कुछ नहीं है मतलब तो ये कोचिंग खोल के बैठे हैं। हम लोगों को लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके पास इसके बस की कुछ नहीं था, और इसकी जब कुछ नहीं हुआ इसका तो इसने कोचिंग खोल ली, लेकिन जब ऐसे कुछ रिजल्ट निकलते हैं तो हम लोग को ये मतलब थोड़ा सा हम लोग बता पाते हैं कि बच्चा अभी तुम्हारे मास्टरों में बहुत दम है, तुम मास्टरों से पढ़ा करो, तुम्हारे मास्टर पहले वो संघर्ष करके आते हैं फिर तुम्हें उस रास्ते पे चलाते हैं। तो फिर आप लोगों को तभी हम पहले हम लोग कर चुके हैं, करके फिर तुम्हें कहते हैं कि हाँ ऐसा करो, इसलिए हम कहते हैं कि जो हम बताते हैं प्लानर वगैरह उसे सुना करो, और जो तुम ये बहुत सारी किताब भाई मुझ पे तो मेरे आके मेरी लैब देख लो, लाइब्रेरी मेरी आज भी देख लो, मेरी पुरानी किताबें जिनसे मैं पढ़ता था, तुम्हें क्वेश्चन वाली एक भी किताब नहीं मिलेगी, क्वेश्चन वाली एक भी किताब, थ्योरी की तो तुम्हें बहुत सारी मिल जाएंगी, फिर मेरे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें 10 किताबों से बने हुए, तुम 10 किताब नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहता हूं जो पढ़ाया करें उसके नोट्स बनाया करो। हम भी पढ़ते थे अपने समय पर, नोट्स बनाते थे बहुत अच्छे अपनी राइटिंग में जैसे भी थी, फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करते थे। यूपीएसआई का रिजल्ट भी देखो, कल 10 तारीख का चुनाव का रिजल्ट आया, आज इन्होंने रिजल्ट दे दिया, यूपीएसआई का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आ रहा है, यूपीएसआई का 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है बच्चा। चलो तो थैंक यू, आप लोग तैयारी करना, हम लोग कराएंगे वीडियो भी, जिसका आप लोगों ने 2018 में किसी ने वीडियो का फॉर्म भरा है, वीडियो की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा कंटेंट देते हैं बच्चा, अच्छे से बहुत सुकून से पढ़ा हुआ कंटेंट, बहुत अच्छे से बना हुआ कंटेंट, ठीक है।